आशा रखे, आशा ही जीवन है, निराशा ही अंधकार है। जितने दिन इंतजार किया वहाँ इतने दिन और इंतजार कर ले, समस्या का समाधान निकलते हुए दिख रहा है, ऐसा लग रहा है। विक्रम सिंह आज अभी इलाहाबाद में हैं सिंह साहब के साथ, जो सो खरों से हर तारीख पर पहुंच रहे हैं, ऐसे में डॉक्टर सुनील कौशिक जी को और आदरणीय सुरेंद्र दुबे जी को बता दें कि ऊपर से प्रशासनिक दबाव है, जो लोग स्थानीय निवासी हैं बताया जा रहा है, ऐसा सुनने में आया है कि जो है उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा, प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। क्या सच है ये तो वही जाने, मरम वही जाने, लेकिन आज विक्रम सिंह फिर गोरखपुर से पहुंचे इलाहाबाद, उसी इलाहाबाद में सबको पता है विक्रम सिंह लीड कर रहे हैं केस को, विक्रम सिंह पहुंचे, डॉक्टर एपी सिंह पहुंचे, कोर्ट में पेश हुए, बहस हुई, रोज मामला इस ओर ले आए हैं एपी सिंह साहब की मजबूरी हो गई है पिछले तीन महीने में, जो दो वर्ष में कुछ नहीं हुआ। मैं विक्रम सिंह से कहूंगा कि क्या रहा आज का, वहां जो साथी अमृत से गए थे बड़े हौसले से गए थे। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार, और आदरणीय पिता तुल सुरेंद्र दुबे सर का भी को भी कोटि कोटि प्रणाम, और आदरणीय सुनील कौशिक सर को भी कोटि कोटि प्रणाम, और अनुदेशकों के मसीहा के तौर पे उभरे हुए आदरणीय एपीसी सर को भी कोटि कोटि प्रणाम सर। और बकरे की अम्मा सर कब तक खैर मनाएगी, अब तो समय आ गया है सर। 15 अगस्त को देश आजाद हुआ था, और फिर से 15 अगस्त को झंडा फहराने के बाद 17 अगस्त को उत्तर प्रदेश का अनुदेशक आजाद होगा, और जो 10 सालों से अनुदेशक अपनी पीड़ा झेल रहा है, 17 अगस्त को अनुदेशकों के अच्छे दिन आएंगे, और आदरणीय एपीसीडी के नेतृत्व में अनुदेशकों की जीत होगी, 17,000 अनुदेशकों को मिलेगा, और साथ ही साथ एरियर भी मिलेगा, 6-7 लाख रुपया प्रत्येक अनुदेशकों का मिलेगा। जो अनुदेशक 10 सालों से तपस्या कर रहे थे, उनका तपस्या आने वाले 17 अगस्त को पूरा होगा, और यदि यह देन है तो आप सबकी देन है। आप लोगों ने जिस प्रकार से, जितनी तनलीनता से, जितना मन से इस अनुदेशकों की पीड़ा को दूर करने का कार्य किया, अब वो समय आ गया है। और आज का दिन तो सर अनुदेशकों के लिए बहुत अच्छा रहा, जब माननीय जज सीधे महोदय के द्वारा 10,000 का जुर्माना, जो पिछले डेट में 11 तारीख को उन्होंने कहा था 10,000 का जुर्माना लगाया था, आज उस 10,000 की रसीद भी एजी महोदय को, अटॉर्नी जनरल महाधिवक्ता महोदय को माननीय जज के समक्ष रखना पड़ा। और जिस प्रकार से आज उत्तर प्रदेश सरकार के अटॉर्नी जनरल माननीय को इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्षमा प्रार्थी हो रहे थे, बार बार कह रहे थे कि मुझे माफ करिए, तो कहीं ना कहीं से जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार के वकील एलपी मिश्रा जी बार बार कहते थे कि भारत की सरकार हमें पैसा नहीं देती है, भारत की सरकार ने इससे पहले भी 3 बार एफिडेविट के मार्फत से उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले को, इस बात को नकारने का कार्य किया था कि भारत की सरकार पैसा देती है और लगातार पैसा देती है। और अभी जैसा आदरणीय पीसी जी सरकार रहे थे कि 2017 के बारे में बार बार एलपी मिश्रा जी कहते हैं कि भारत की सरकार पैसा नहीं देती है तो हम अनुदेशकों को कैसे दे, तो आपने देखा होगा भारत की सरकार ने 4,16,000 समथिंग रुपया मांगा था, लेकिन भारत की सरकार ने 4,24,000 रुपया दिया। अब आप देखिए, इस समय भी दोनों जगह अलग अलग पार्टी की सरकार होती तो ये लोग कहते हैं कि देखिए ये फलना पार्टी की सरकार है तो उस पे आरोप लगा रही है, लेकिन इस समय ये अच्छा है कि दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार है, और दोनों अनुदेशक तो लड़ाई से बाहर है, अनुदेशक तो अब लड़ाई लड़ ही नहीं रहा कोर्ट में, अब भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार स्वयं कोर्ट में लड़ रही है। वो कहते हैं हमने इतना पैसा दिया, वो कहते हैं अरे मुझे इतना ही पैसा मिला, तो पैसा गया कहा। इस सरकार को सीधे महोदय जब 17 तारीख को फैसला करेंगे तो पूछेंगे उत्तर प्रदेश सरकार से कि जब भारत की सरकार ने आपको इतना पैसा दिया तो पैसा गया कहा। ये सवाल सीधे महोदय 17 तारीख को जब अपने फैसले में जरूर करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। तो बार बार सर जो इस प्रकार के बहाना बनाए जाते थे, और मैंने कल भी कहा था कि जून के महीने में ऑडिट होती है, और उस ऑडिट में जो भारत सरकार ने पैसा दिया है हमेशा उत्तर प्रदेश सरकार का अनएक्सप्लेन आता है, उसमें ऑडिट में आता है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस पैसे को खर्च ही नहीं कर पा रही है। अरे अनुदेशक भूखा है, अनुदेशक लाचार है, अनुदेशक पे अत्याचार हो रहा है, अनुदेशक के बच्चे भूख के मारे तड़प रहे हैं, अनुदेशक के बच्चे क्योंकि फीस देने के लिए, स्कूल में फीस देने के लिए पैसे
बच्चे बीमार पड़ते हैं तो उनको दवा दारू के लिए पैसे नहीं है, और सरकार कहती है कि भारत की सरकार पैसा नहीं देती है, जबकि भारत की सरकार ने अब तो 4 बार, इससे पहले 3 बार और अब 4th बार इसको सिद्ध कर दिया है कि भारत की सरकार लगातार अपने 60% जो भारत की सरकार को देना है समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत देना है उसको भारत की सरकार लगातार देने का कार्य कर रही है। और उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश के वकील कोर्ट में जाकर उत्तर प्रदेश कोर्ट को भी गुमराह करने का कार्य करते हैं, जज महोदय का समय बर्बाद करने का कार्य करते हैं, और लगातार इन्होंने जज महोदय को गुमराह करने का कार्य किया। लेकिन अब समय आ गया है, अब कोई गुमराह नहीं होगा। अब 17 अगस्त को उत्तर प्रदेश का निदेशक आजाद।